तू क्या कर रहा है? अच्छे से मच्छरों को भगा। देख, एक मच्छर ने काट लिया ना माथे पे। अरे रामा, एक मच्छर हो तो भगाऊं, यहाँ तो पूरे मच्छरों की सेना है। ये क्या कर रहे हैं आप? मच्छर मच्छर मार रहे हैं। तुम मच्छर मारिए, हम ही क्यों मार रहे हैं? साधु, हम जलने के आए। हाँ, मच्छर मारो, हम जलने के आते। हाँ, तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आप इन मच्छरों का कुछ नहीं कर सकते। अरे कोई तो रसायन होगा, कोई बूटी होगी जिससे ये मच्छर भाग सके। अरे वो मैं रसायन बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें भी समय लगेगा। अच्छा, अरे 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 बाप रे, भागो। चिंतित ना हो, हमारे पास ना एक ऐसा लेप है जिसे हम लगाएंगे तो हमारे चेहरे के दाग छिप जाएंगे। हाँ, बताइए हमें। अब पंडित रामकृष्ण को हमारे सामने घुटने टेकना ही होगा। इस समस्या का उनके पास कोई उपाय भी नहीं है। आप विराजमान हो जाएं तो फिर दरबार की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। अब इन्हें क्या बताएं कि बैठने पर मच्छर अधिक काट रहे हैं। गुरुवर, आज हमने तय किया है कि हम यूं टहलते टहलते मामलों की सुनवाई करेंगे। आप तो विराजिए। अब इन्हें क्या बताएं कि बैठने पर मच्छर अधिक काट रहे हैं। महाराज, आप खड़े हैं, हम विराजमान हो जाएं। ना 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 ना, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। पंडित रामकृष्ण, आप और महामाती भी खड़े हैं, आप तो विराजिए। महाराज, जब गुरु ने सिखाया है यदि आप खड़े रहें और हम लोग विराजमान हो जाएं तो ये हमें शोभा नहीं देता। चल झूठे, बता क्यों नहीं देता महाराज को कि बैठने पे मच्छर अधिक काटते हैं। रामा, कहीं ऐसा तो नहीं है महाराज भी इसलिए खड़े हैं? चुप कर बंधु। अच्छा है, अच्छा है, खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। अब तो बताइए, आज का पहला मामला क्या है राज दरबार में? आज का मामला ये है महाराज के ये जो सज्जन हैं, ये एक घर के स्वामी हैं और ये जो हैं, इन्होंने इनका जो घर है वो किराए पर लिया है, यानी इनके घर में किराए पर रहते हैं। इन दोनों के बीच ये अनुबंध हुआ था कि एक वर्ष के उपरांत ये इनका मकान खाली कर देंगे, किंतु एक वर्ष से अधिक अवधि बीत चुकी है और इन्होंने इनका जो घर है वो खाली नहीं किया अभी तक। ये तो अनुचित है, अनुबंध पत्र की अवमानना है। जी, यदि ये सिद्ध हो गया कि आपने अनुबंध पत्र की अवमानना की है तो आपको दंडित किया जा सकता है। महाराज, क्षमा चाहता हूँ, किंतु इस प्रकार विजयनगर को भी अनुबंध पत्र का सम्मान रखते हुए वो भूमि हिमडों को दे देनी चाहिए जिस अनुबंध पत्र पर पंडित रामकृष्णा जी ने हस्ताक्षर किए हैं। अपने राजा के समक्ष अपनी बात रखने का साहस प्रजा में होना ही चाहिए। ए, आप शांत रहिए पंडित रामकृष्णा, बीच में मत टपकिए। आपको तो आदत है बीच में टपकने की। महाराज, इस मनुष्य को बोलने से पहले ये समझना होगा कि अनुबंध पत्र पर आपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अभी तो पंडित रामकृष्ण ने हस्ताक्षर किए। तो यदि अनुबंध पत्र की अवहेलना करने पर मुझे दंड दिया जाएगा तो पंडित रामकृष्णा को भी दंड मिलना चाहिए। अब लगा तीर निशाने पर।
अब कैसे बचोगे रामा? महाराज, अब प्रश्न तो उठ रहे हैं, असंतोष फैल रहा है। महाराज, विजयनगर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो प्रजा तो शांत नहीं बैठेगी। इसलिए महाराज, आपको पंडित रामाकृष्णा के विषय में कोई ठोस निर्णय लेना ही होगा। महाराज, गुरुवर, आपका कथन उचित है। पंडित रामाकृष्ण, आपने अभी तक स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं किया है, इसलिए आपको दंडित तो अवश्य किया जाएगा। महाराज, वो मैं हूं या कोई और, यदि किसी ने राजद्रोह किया है तो उसे दंड अवश्य भुगतना ही होगा। आप आदेश करें। महाराज, हमारे अनुसार पंडित रामाकृष्णा को कम से कम 10 वर्ष का कारावास होना चाहिए। मात्र 10 वर्ष का ही क्यों? यदि मैं राजद्रोह के आरोप में दोषी पाया जाता हूं तो महाराज आप मुझे मृत्यु दंड दें। मुझे आपका दिया हुआ मृत्यु दंड सहर्ष स्वीकार होगा, किंतु उससे पूर्व मुझे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कुछ समय चाहिए। महाराज, मात्र 3 दिवस। 3 दिवस में स्वयं को निर्दोष सिद्ध कीजिए और ये मच्छरों की समस्या का निवारण भी कीजिए। उचित है महाराज, अब मैं आपके समक्ष तभी आऊंगा जब मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर पाऊं और मच्छरों की समस्या का निवारण भी ढूंढ पाऊं। प्रणाम। विजयनगर मच्छर से परेशान है, सिर्फ हम ही हैं जो मच्छर का तेल लगा के आराम से घूम रहे हैं। अब उस महाराज कृष्णदेव राय और पंडित रामकृष्ण को हमारे सामने छुपना ही होगा। क्या कर रहे हो? पंडित रामकृष्ण का आदेश है कि आपके महाराज जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ वहाँ की भूमि को चिन्हित किया जाए ताकि वह जमीन विजयनगर की हो जाए। तो ये भूमि तो विजयनगर की है। जी, यदि युद्ध होता है और आपके महाराज विजयी होते हैं तो भी महाराज जहाँ जहाँ भी अपने कदम रखेंगे वहाँ की भूमि विजयनगर की होगी। महाराज, हम यहाँ हैं महारानी। बंद कीजिए मच्छर। जी, महाराज, ये कैसी मच्छरदानी है? इसे हटवा कर नई मच्छरदानी लगवा लीजिए। वो क्यों? महाराज, इतनी बड़ी मच्छरदानी है, उसके बाद भी छोटा सा मच्छर नहीं फंसा इसमें। परंतु महाराज, हमारे पास इसका एक उपचार है। क्या उपाय है, शीघ्र बोलिए। बताते, तनिक धैर्य रखिए। हमारे पास ये उपचार है, नीम के लड्डू। ये तो छोटी महारानी अत्यधिक कड़वा होता है ना? परंतु महाराज, महारानी चिन्ना देवी, ये बात तो मच्छरों को तो ज्ञात नहीं है ना? जब आप दोनों नीम के कड़वे लड्डू खाएंगे तो सोचिए आप दोनों का रक्त भी कड़वा हो जाएगा, और जब मच्छर आप दोनों को काटेंगे तो उनके मुंह में कड़वा रक्त जाएगा, और मच्छरों को तो कड़वा पसंद ही नहीं होता। वैसे छोटी महारानी, इस प्रकार तो फिश भी कड़वा होता है। अयो, हमें तो याद ही नहीं था। रुकिए महाराज, हम अभी आप दोनों के लिए विष का प्रबंध करके आएंगे। नहीं, आप बैठ जाइए, आप कहीं मत जाइए, हम ये नीम के लड्डू खा लेंगे। जैसा आपको उचित लगे। हमें आपसे कुछ पूछना है महाराज। आप पूछिए। जबकि आपको भली भांति ज्ञात है कि पंडित रामकृष्ण पूर्णतः निर्दोष है, उन्होंने भूमि का सौदा नहीं किया है, फिर भी आपने भरे दरबार में उन्हें दंडित करने की चेतावनी दे डाली। क्यों महाराज, क्यों किया आपने ऐसा? महारानी, किसी भी राजा के लिए
अपने राज्य रूपी रथ को एक पहिए पर चलाना असंभव होता है। राज्य रूपी रथ को दो पहियों पर चलाया जाता है, समानता और विश्वास। यदि प्रजा के हृदय में यह संदेह उत्पन्न हो जाए कि महाराज किसी व्यक्ति विशेष के साथ पक्षपात कर रहे हैं, तो समानता का पहिया उस रथ से निकल जाएगा और प्रजा के हृदय में अविश्वास की भावना जागृत हो जाएगी। किंतु महाराज, इसीलिए ये जानते हुए भी कि पंडित रामकृष्ण निर्दोष है, हमने उन्हें भरे दरबार चेतावनी दे डाली ताकि प्रजा के हृदय में समानता और विश्वास दोनों ही भाव बने रहे। परंतु अब यदि पंडित रामकृष्ण स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाए तो हमें उन्हें दंडित करना होगा। ईश्वर, बनाया, बना लिया, चल रानियों के पास लेकर चल। किंतु रानियों के पास क्यों? अरे रानियों के लिए ही तो बनाया है। नहीं, मच्छरों के लिए बनाया है, भूल गई? मैंने रानियों से कहा था कि उनके लिए हलवा लेकर आऊंगी और तू मच्छरों को खिला रही है। नहीं नहीं अम्मा, मच्छरों के लिए मैंने पेय बनाया है जिससे कि सारे मच्छर जो है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, तो बचाओ, अरे इन मच्छरों से मेरे प्राण बचाओ। ये सारे मच्छर आपके पीछे कैसे पड़ गए? अरे क्या बताऊँ शारदा, इन मच्छरों से बचने के लिए मैंने बहुत सारे पत्तों का लेप अपने तन पर लगा लिया था, किंतु पता नहीं ऐसे कौन से पत्ते का लेप लग गया है कि मच्छर मुझसे दूर भागने के बजाय मेरे पीछे पड़ गए हैं। आप चिंतित मत होइए, मच्छरों को भगाने का मैंने एक ऐसा उपाय ढूंढा है, वो देखिए। अम्मा कहाँ है? तुम अम्मा हो? अरे बेचारी मेरी भोली अम्मा, देखो क्या हालत कर दी बेचारी मेरी अम्मा की उन मच्छरों ने। अम्मा के मुख को काट काट के मटके जैसा सुझा दिया है। ये तो बताओ वो रक्त किसका है? धोखा खा गए ना, ये रक्त नहीं द्रव्य है जो हमने अपने हाथों से बनाया है। इसमें विष मिला हुआ है, मच्छर इसे वार पर देख कर रक्त समझने की भूल कर बैठेंगे और फिर विचार करेंगे कि जब रक्त द्वार पे ही मिल रहा है तो भीतर जाने का श्रम क्यों करें, और फिर इस द्रव्य को पी कर मच्छर मर जाएंगे। देखा कितनी बुद्धिमान हूँ मैं, आखिर महाज्ञानी महाबुद्धिमान पंडित रामकृष्ण की पत्नी है। हाँ मेरी है। अब इतनी खुशी हो ही गई है तो एक कार्य और कर दे, चूल्हे में लकड़ी डालकर हलवा बना दे, रानियों को खिलाना है। हाँ, रामा तू हलवा खाएगा? अरे अम्मा तुम्हें हलवे की पड़ी है, यहाँ मैं पहले से चिंतित हो रखा हूँ। अभी तक अपने सर पर लगे कलंक को मिटा नहीं पाया हूँ, ना ही ये सिद्ध कर पाया हूँ कि उस अनुबंध पत्र पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। ऊपर से ये नया मच्छर पुराण आरम्भ हो गया है, एक संकट समाप्त नहीं होता दूसरा आरम्भ हो जाता है। यदि मैंने कल तक दोनों समस्याओं का हल नहीं निकाला तो महाराज मुझे दंडित करेंगे। ए बंधु! रामा, एक ओर तो ये मच्छर उदंड और दूसरी ओर राजदंड, शीघ्र विचार कर अब क्या करेगा तू? हाँ। ये लो लकड़ियाँ, उठा लो उठा लो। अरे अभी तो लेकर आया हूँ, अभी फिर से क्यों उठाऊं? ये लकड़ियाँ उठाकर बाहर फेंक दीजिए, ये गीली हो गई है, अब हमारे किसी काम की नहीं रही। शारदा, तुझे मैंने कहा था कि ये लकड़ियाँ भीतर रख दे, देख बारिश के कारण लकड़ियाँ गीली हो गई, अब हलवा कैसे बनेगा? रानी को यहाँ ये खाली पात्र लेके जाएंगे क्या? हाँ माँ, हमने भी इनसे कल कहा था कि ये लकड़ियाँ उठाकर भीतर रख दे, किंतु इन्होंने हमारी नहीं सुनी। ये किसी की सुनता कहा? बात तो करती नहीं हो, केवल लाठी मारती हो। हे
महाराज स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा सुतप्तमपि पानीयम् पुनर्गच्छति शीततम। समझे? नहीं समझे। नहीं समझे? समझाते हैं। अर्थात किसी भी मनुष्य की आदत या स्वभाव को बदलने का प्रयास किया जाए बदला नहीं जा सकता है। ऐसे ही ये पंडित रामकृष्णा जो है उनका स्वभाव दरबार में विलंब से आने का बन चुका है, इसे बदला नहीं जा सकता है। महाराज ये भी संभव है कि उन्हें मच्छर भगाने की युक्ति ना मिली हो, इसलिए वो अपने निवास में लज्जा के मारे मुंह ओढ़े मुंह हो गए हो। मैं आ गया गुरुवर, मैं आ गया, मैं आ गया महाराज। आ गए है तो आइए और आरंभ हो जाइए। महाराज मैं आ गया महाराज, क्षमा करें आने में तनिक विलंब हो गया। पंडित रामकृष्ण आपको इस समस्या का कोई? हिमडों के महाराज शुभांशु पधार रहे हैं। ये तो हमारी पालकी जैसी है। हमारी पालकी जैसी नहीं, हमारी ही पालकी है छोटी महारानी। महाराज ये तो हमारी पालकी है ना। महारानी हम आपको दूसरी पालकी दे देंगे। महाराज शुभांशु आप पालकी में ऐसे, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हमारे महाराज का स्वास्थ्य ठीक है किंतु आपकी नियत ठीक नहीं है। अभी तो पंडित रामकृष्ण ने ऐसी चाल चली हमारी महारानी, मतलब हमारे महाराज का पैर जमीन पे नहीं रख सकती। आप लोग ये सब मत भूलिए, अगर हम चाहते तो हम भी युद्ध कर सकती है अगर आप लोगों ने हमें आसानी से ये भूमि नहीं दी। और यही बात पालकी की तो निर्णय ये हुई थी कि जहाँ जहाँ हमारे महाराज पैर रखते हैं वही भूमि आपकी होती है, और जब हमारे महाराज पैर ही नहीं रखे तो भूमि किस बात की। और पंडित रामकृष्ण हम भी बुद्धू हैं। अब तो सारा संसार जान गया है। बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमान। हाँ वही बुद्धिमान। मौजी आप बुद्धिमान कहाँ हैं? आप तो महाबुद्धिमान हैं, है ना? हमारे महाराज ने कही है कि अगर आपको ये युद्ध रोकनी है तो आप हमें आसानी से ये भूमि हिंदुओं को दे दीजिए, और बदले में हिंदुओं आपको मच्छर को भगाने वाली तेल के निर्यात विजयनगर में प्रारंभ करेगी, वरना याद रखिए कि हिंदुओं से आने वाले इस तेल के अलावा आप लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं है। मनीचारी जी उस तेल की तो बड़ी आवश्यकता है। आप हमें एक हाथ से भूमि दे और हम आपको तेल देंगे। तुम्हारे पास इसका कोई हल नहीं होगी पंडित रामकृष्णा, अब वो भूमि हमारी हुई। विजयनगर की भूमि तो क्या, उसका एक कण भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी खड़ी की गई समस्या ने मेरे मस्तिष्क में राष्ट्रहित की एक बात प्रकट की है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।